करंट लगने से जुलझे दंपति मेन लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से घर में डबल फेस आ गया था। पंखे कूलर पर लग गई आग। शिवपुरी जिले के देहा थाना क्षेत्र के रायश्री गांव में दंपति बिजली के करंट की चपेट में आने से झुलस गई है। पति पत्नी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करंट लगने का कारण बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। भरत सिंह कुशवाहा ने बताया कि उसके पिता हरि सिंह कुशवाहा उम्र 55 साल और माँ राम दुलारी कुशवाहा रायश्री गांव में कृषि फार्म पर रहकर खेती करते हैं। आज सुबह बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से घर में डबल फेस आ गया, जिससे पंखे कूलर में आग लग गई। पिता हरि सिंह ने बिजली की सप्लाई बंद करने का प्रयास किया था, जिससे वह करंट की चपेट में आ गए थे। उन्हें बचाने का प्रयास मां राम दुलारी ने भी किया था, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आकर झुलस गई। खेत में मौजूद लोगों ने उन्हें बचाया। दोनों को उपचार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपके नाम? मेरा धर्म सिंह। मेरे पिताजी क्या नाम है? जी रहते हैं राजश्री। क्या लाइन पर? जी वो लाइन डबल फेस आ गया तो फाल्ट हो गई, एकदम पंखे में आग लग बैठी दोनों में। घर में? हाँ, घर अंदर कमरे में, बाहर ही रहते हैं। तो उसके बाद में एकदम जी तान बंद करने के लाने चले गए, एकदम जी छुपक गए। एकदम जी पिकी तो मेरी माता जी आई, तो माता जी ये गिरे, माता जी ने देखा क्या होगा, वे भी छिपक गए। तो ये एकदम फिर मैं पंखे में दोनों कूलरों में आग लग गई, पंखा में कूलर में आग लग गई। आग एकदम जिनमें ही भड़क गई, तो ज्यादा झुलस गई जो दूर का जी। फाल्ट का शॉर्ट सर्किट से दोनों करंट आ गए एकदम पीस वर तो पीस दोनों आ गए। घर की लाइन में दोनों में सब की घटना। अब सुबह सुबह 6 बजे की, आज सुबह 6 बजे रहने वाले हो? हम जाइए शिवपुरी के लोबेना सर। कहाँ रहते हैं? कौन सी गांव? रासरी रहते हैं फार्म पे। अच्छा, माता जी का नाम क्या? कूलर पंखे में। माता जी का नाम क्या? राम दुलारी। वो भी घायल है? वो भी कुछ जल गई है, ज्यादा बहुत ज्यादा जल गई पंखों में दोनों में एकदम करंट लग गया। तो फिर ने बोली कि निकाल दो तार बंद कर दिया।